नैना देवी के विधायक और पार्टी के प्रदेश सचिव रामलाल ठाकुर ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और वन विभाग के अधिकारियों की अनुभवहीनता के कारण इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का समायोजन विश्व बैंक के तहत 700 करोड़ रुपए प्रथम किस्त के तौर पर होना था, जो कि बाद में बढ़कर करीब 1500 से 2000 करोड़ तक हिमाचल प्रदेश की विकासात्मक छोटी छोटी योजनाओं पर खर्च किया जाना तय हुआ था। इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ पूर्व सरकार के समय पूर्व वन मंत्री ने जिला चंबा के भरमौर में अक्टूबर 2017 में किया था। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वैसे ही इस प्रोजेक्ट के मुख्यालय को लेकर वन विभाग के अधिकारियों और उनके राजनीतिक आकाओं में खींचतानी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि कुछ नेता चाहते हैं कि प्रदेश सरकार इसे धर्मशाला में खोले, तो कुछ चाहते हैं कि ये सोलन में खुलनी चाहिए। सोलन इसलिए भी ठीक रहता है ताकि वहां पर पहले से ही मिड हिमालय प्रोजेक्ट का मुख्यालय था, जिससे प्रदेश सरकार का खर्च कम हो सका था। रामलाल ठाकुर के अनुसार इस प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश में ना ला पाने के पीछे वन विभाग व प्रदेश से सरकार की बड़ी असफलता है, जिस कारण मिड हिमालय में कार्यरत करीब 1500 कर्मचारियों को अपना रोजगार खोना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी असफलता किसी भी महत्वपूर्ण योजना में नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि होता यूं था कि जिस तिथि को एक प्रोजेक्ट बंद होता है, ठीक दूसरे दिन कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाता था। इसी कड़ी में कंडी डेवलपमेंट चंगर प्रोजेक्ट व मिड हिमालय प्रोजेक्ट क्रमशः लागू हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मिड हिमालय के बाद अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में आना था, जिसकी सिद्धांतिक मंजूरी पूर्व सरकार के समय दी जा चुकी थी, लेकिन प्रदेश सरकार व वन विभाग के अधिकारी विश्व बैंक के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखने में विफल रहे और ये प्रोजेक्ट हिमाचल सरकार से खिसकता नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रदेश में एग्रो प्रोडक्ट वेस्ट लघु उद्योगों सिंचाई योजना व युवाओं को नए रोजगार सृजन होने थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश सरकार ने मिड हिमालय प्रोजेक्ट में काम करने वाले अनुभवी अधिकारियों को बदलकर अनुभवहीन अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे दी है, जो कि विश्व बैंक के समक्ष अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाए, जिस कारण आज तक कोई भी MOU साइन नहीं हो पाया है। चंबा जिला के भरमौर में इसकी शुरुआत भी कर दी थी और बाद में क्या हुआ कि सरकार बदलने के बाद इसमें खींचातानी पड़ गई। धर्मशाला से कुछ लोग ऐसे थे भारतीय जनता पार्टी के जो इसका मुख्यालय धर्मशाला खोलने की बात करते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि क्योंकि जो मिड हिमालय प्रोजेक्ट है उसका आधारभूत ढांचा सोलन में जो है वो तैयार है, वहां पे प्रोजेक्ट का मुख्यालय होता था, तो बिना पैसा खर्च किए हुए उस कार्यालय में जो है ये न्यू प्रोजेक्ट जो एग्रोबेस आना था ये यहीं पे ही उसका मुख्य कार्यालय रहे। इस खींचतान के होते हुए इस प्रोजेक्ट को और कमजोरी आई और सरकार ने यहां तक किया कि सारे जितने भी अनुभव वाले जो अधिकारी थे उनको वहां से हटाया मिड हिमालय प्रोजेक्ट से, और नया प्रोजेक्ट जो आना था ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो एग्रो बेस और जो हमारे मैं कहूंगा कि उसमें मैन पावर काफी आनी थी, जिसमें सिंचाई की सुविधा होनी थी, जिसमें वनों में और ज्यादा हरियाली लाने के लिए और किसानों की जो उपज है उसको बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक से आना था। अब ये प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक ने जो है वो अभी तक उसकी जो MOU है वो साइन नहीं हुआ। अब अगर MOU साइन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वर्षों में कब ये प्रोजेक्ट मिल पाएगा, कब नहीं मिल पाएगा, ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। और मैं ये कहूंगा कि इस खींचातानी की वजह से जो प्रदेश में प्रदेश की सरकार उसमें जो है वो असफल रही है,